Hey guys, today we are going to start with our topic, what changes did the formation of new regions and empires bring about? तो जो नए regions, नए areas और नए empires जो होते हैं उनकी वजह से क्या changes आते हैं? तो this is what we are going to read. This is the activity related to kingdoms and people which you need to do by yourself. DIY exercise है, do it yourself, all right? जो मिडिवल पीरियड है उसमें जो है हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े एम्पायर्स में. 700 CE के टाइम तक क्या है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में डिवाइड हो चुका था. सबके अपने एरियाज थे, लैंग्वेज थी, कल्चर था. हर एक एरिया के अपने, एक तो डिफाइंड एरिया था, ज्योग्राफिकल एरिया, लैंग्वेज अलग थी, कल्चर अलग था हर एरिया का. ऑल राइट, अब क्या था कि 14th सेंचुरी में जो आमिर खुसरो पोएट था उसने ये चीज़ बोली कि हर एक रीजन में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है इंडिया के. 1318 में उसने बताया कि हर रीजन की अपनी लैंग्वेज है, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारसा मुद्री, यह है सदर्न कर्नाटका में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माबरी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में एंड हिंदवी दिल्ली में. तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, देखो हर एक जगह पे, हर एक एरिया की अपने डिफरेंट लैंग्वेज है, अभी भी है, राइट? सो ऐसे ही और क्या बताया हुआ इसमें कि रीजन्स की अपने अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज हैं, अलग अलग जो हैं फैमिली के लोग, डायनेस्टीज कहीं ना कहीं हम फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अलग अलग फैमिलीज के राजा वगैरह जो हैं, डायनेस्टीज रूल करती आई हैं अलग अलग रीजन्स को. मतलब गुजरात में अलग लीडर है, बंगाल में अलग है, तमिलनाडु में अलग, मतलब उस तरीके से करके. एंड जो ये डायनेस्टीज हैं, जैसे चोलाज, खलजीज बोलो, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन, तुगलक्स, मुगल्स, ये सारे के सारे जो हैं, जो अलग अलग जगह रीजन स्प्रेड हो रखे हैं, वहीं से इनके एम्पायर्स बने हैं इन सब के. अब क्या कह रखा है इसमें आगे कि हाउ एवर नॉट ऑल दीज डायनेस्टीज वर इक्वली स्टेबल. हर एक डायनेस्टी जो है उसका इक्वल रूल नहीं था. कोई ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ रूल करने में और कोई नहीं हुआ. कोई जल्दी ही जो है बैटल में हार गया और किसी और ने उसके राज्य को हथिया लिया. सो ऐसा चलता रहा. एंड अगर तुम कंपेयर करोगे ड्यूरेशन ऑफ रूल खलजी और मुगल डायनेस्टीज़ का, तो तुम्हें पता चलेगा कि मुगल्स जो हैं वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल किया मुगल्स ने, और खलजीज ने बिल्कुल ही थोड़े टाइम तक किया. तो इनकी कंपैरिजन में मुगल्स बहुत ज़्यादा लॉन्गर पीरियड तक रूल करते आए हैं, मतलब करा है मुगल्स ने रूल, नॉट करते आए हैं. सो जब मुगल्स का एम्पायर डिक्लाइन हुआ, कब डिक्लाइन हुआ, 18th सेंचुरी में, तो रीजनल स्टेट्स जो हैं वो फिर से बनी. हर एक एरिया की स्टेट्स अपनी अलग अलग फिर से बनी. लॉन्ग इम्पीरियल रूल, उसके बाद क्या हुआ कि इम्पीरियल क्या होता है, ब्रिटिशर्स रूल, ठीक है? तो लॉन्ग इम्पीरियल रूल आया जिसने बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला हर एक रीजन पे. कि ये हम देख सकते हैं कि दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस, कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो सेम से मिलेंगे, जो शेयर कर रहे हैं दो रीजन्स मिलके, कि वहाँ पे भी सेलिब्रेट, एक एरिया में भी वही फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है और दूसरे में भी वही सेलिब्रेट हो रहा है. इट इज़ बिकॉज कि पहले रीजन्स देखो अलग अलग थे, हर एक रीजन का अपना अलग कल्चर था. लेकिन जब मुगल एम्पायर टूटा तो फिर से रीएमर्ज हुई, फिर से बनी स्टेट्स. तो उस टाइम पे हमारे ब्रिटिशर्स जो हैं वो राज करने के लिए आए थे, तो उस टाइम पे चीज़ें डिफरेंट थी, मतलब मिक्सिंग हो गई थी कल्चर्स की, ये हम कह सकते हैं, मिक्स हो गए थे कल्चर्स. तो गवर्नेंस, जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, गवर्नेंस सिस्टम का, मैनेजमेंट का, इकोनॉमी की, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब इन द न्यू स्टेट्स वर सिमिलर टू दोज That had earlier ruled over them. कि वैसा सा ही कल्चर, लैंग्वेज, इकोनॉमी उस स्टेट की थी जैसी पहले रही थी, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ आई थी. सो सेम टाइम पे दीज रीजन्स डिड नॉट लूज देयर ओन आइडेंटिटी. मतलब चेंजेस तो आए थे उस स्टेट में जब एम्पायर, मुगल एम्पायर जो है ख़त्म हुआ, डिक्लाइन हुआ और ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस तो आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बदल गया था.
पुरानी जो रीति रिवाज, लैंग्वेज और उनकी खुद की आइडेंटिटी, उनका खुद का कल्चर था, वो भी साथ में चल रहा था। लेकिन उसके साथ क्या है, कुछ नए कल्चर्स, नई लैंग्वेजेस, नए टाइप के लोग उसमें जुड़ रहे थे, हम ये चीज़ बोल सकते हैं। ऑल राइट, आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ वील मूव फर्दर टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वॉट वर द डिवेलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, for all this background noise, but you have to bear this with me today, for कल से ऐसा नहीं होगा guys। इस topic में क्या दे रखा है कि इसमें हमें क्या देखना है कि religious traditions कैसे develop हो रहे हैं, कैसे develop हो रहे हैं। तो 8th से लेके 18th century तक क्या significant developments हुई religion में, हम वो देखने वाले हैं कि ये period में जो है क्या सबसे ज़्यादा changes किस में आए, हिंदुइज़्म में आए। लोग जो हैं वो नए नए भगवानों को पूजा करने लगे, टेंपल्स में जाने लगे, किंग्स ने, बहुत सारे राजाओं ने टेंपल्स बनवाए, जो कि जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता था, हमारे पंडित जी संभालते थे, हमारे ब्राह्मण्स प्रीस्ट ये संभालते थे। एंड जो एमर्ज हुए एज अ डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, मतलब ब्राह्मण्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप बन गए थे आगे आने वाले टाइम में। इस टाइम की बात हो रही है, नॉट राइट नाउ। एंड जो ब्राह्मण्स हैं वो हाईली रिस्पेक्टेड थे, क्योंकि वो जो हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल थे, उनको संस्कृत आती, वो संस्कृत टेक्स्ट पढ़ के सुनाते थे, तो वो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे लोग। एंड उनका जो डोमिनेंस है वो बढ़ता चला गया, क्योंकि उनको रूलर्स जो हमारे राजा वगैरह, उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, फिर जो है हमारा भक्ति का आइडिया जो है वो और ज़्यादा डेवलप होने लग गया। मतलब इसमें जो है लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, वेदर वो वहाँ पे टेंपल में जाके कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर। इसमें ज़्यादा हमारे प्रीस्ट की और बहुत सारे रीति रिवाज और रिचुअल्स और रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। तो भक्ति एक ऐसा आइडिया डेवलप हुआ कि इसमें लोग अपने हिसाब से जो है पूजा कर सकते थे। ठीक है, सो इट वॉज न्यू काइंड ऑफ सेक्ट विच डिवेलप, वी कैन से दैट। एंड बहुत सारे नए रिलीजन्स भी निकले इस टाइम में, सब इस सब कॉन्टिनेंट में, इस समय में, 8th से 18th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे नए रिलीजन्स बने। ठीक है, बहुत सारे नए धर्म बने। 7th सेंचुरी में क्या है कि इट वॉज इन द 7th सेंचुरी दैट द टीचिंग ऑफ द कुरान वर फर्स्ट ब्रॉट टू इंडिया। कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है वो सब चीज़ें पहले कौन लेके आया, मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स, दूसरी कंट्री से जो लोग आए थे ट्रेडिंग के लिए या रहने के लिए, वो लोग अपने साथ कुरान की टीचिंग्स, कुरान के अंदर जैसे भगवद गीता में जो ज्ञान लिखा हुआ है उसका प्रचार होता है, ऐसे कुरान के अंदर जो ज्ञान दिया हुआ था तो उसका प्रचार करा किसने, मर्चेंट्स और जो दूसरी कंट्री से माइग्रेंट्स आए थे। तो कुरान जो है वो एक होली बुक है मुस्लिम्स की। ठीक है, जैसे भगवत गीता हिंदूज की होली बुक है, ऐसे कुरान जो है वो मुस्लिम्स की होली बुक है, जो एक ही भगवान में मानते थे और वो मानते हैं कौन है, अल्लाह। तो जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ अल्लाह में विश्वास रखते हैं और किसी चीज़ में नहीं करते। गाइज, इससे जो आगे का लेक्चर है ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया, वी विल स्टडी दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल जस्ट कवर अप इन नेक्स्ट पार्ट this chapter, and then we'll start with next chapter. So till then, bye bye, take care.